नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग सभी सहारा पीड़ित जमाकर्ता साथी व सम्मानित कार्यकर्ताओं का हार्दिक स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन विद पीके पर। मैं हूं पिंकू कुमार प्रजापति और आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन विद पीके। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोगों को मालूम ही है कि सहारा पोर्टल से 50,000 तक का भुगतान इस समय यानी कि वर्तमान समय में हो रहा है और आगे कुछ गतिविधियां पोर्टल पर दीपावली तक नई देखने को मिल रही हैं। जो दीपावली का पर्व आ रहा है, इस पर हम लोगों को कुछ सहारा की तरफ से काफ़ी बड़ा तोहफा मिलने वाला है। क्या तोहफा मिलने वाला है, पूरा रियलिटी के साथ में इस वीडियो में हम डिटेल्स के साथ में संक्षिप्त में विवरण देने वाले हैं, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाला है। आप में से जिन लोगों का भी पैसा सहारा के अंतर्गत फंसा हुआ है और लगातार हम लोग अपने भुगतान हेतु प्रयास भी कर रहे हैं, सहारा की जो सोसाइटीज़ हैं, सहारा एंड यूनिवर्सल हो या कोई भी सोसाइटी हो, तो उसको लेकर सहारा के एक वर्कर हैं कन्हाई शाह जी, काफ़ी अच्छे जानकारी रखते हैं सहारा को लेकर। तो उन्होंने जो बयान दिया है, दीपावली तक 5 लाख तक का भुगतान होने की संभावना जताई जा रही है, वही सब हम आप सभी को दिखाने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, की प्रॉपर्टी का डिवेल्युएशन कर रहे थे, इनको ये पता नहीं है कि सहारा डील सस्ते में हो गई। सर, आप लोगों ने डील बड़ा सस्ते में कर दिया सर, 6,000 करोड़। अब मुसीबत मरता क्या ना करता, थोड़ा सा डील महंगा होना चाहिए था, सस्ता डील कर लिया। जी जी सर, 25 बिल्डर के फौज जुड़ रहे हैं सर, ये तो एक बिल्डर है, 25 बिल्डर है, मोर देन 25 बिल्डर कमिंग, ये तो एक बिल्डर है, मेरा बिल्डर बन है सब तो ऑन कर, बहुत अब तो भाई बहुत का तो पैसा ही पैसा, बहुत 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 जल्द ये 6,000 का डील तो ओवरऑल रियलिटी के साथ हुआ है। वैसे 25 बिल्डर आ रहे हैं सर, एमबी वैली के साथ और बरतुआ के साथ और बसई भी है साथ में, बसई के साथ। अच्छा बसई, अच्छा बसई मुंबई, बसई मुंबई उधर वेस्टर्न लाइन। जी हाँ, बसई में 900 एकड़ है सर। बाप रे बाप, 900 एकड़ साला, वहाँ पे तो लोग 1 BHK फ्लैट नहीं खरीद पाते हैं, यहाँ तो जमीन है। वही मैं बोल रहा हूँ कि सहारा को जो गाजर और मूली समझ रहे हैं, उनको ये बताना चाहते हैं कि गाजर मूली समझना छोड़ दो, ये बरगद है, बरगद बरगद है। सिर्फ प्रतिबंध की वजह से सहारा मजबूत है, मजबूत था, लेकिन जिस दिन प्रतिबंध हट गई उस दिन के बाद से सहारा इस दुनिया को दिखा देगा कि हम क्या है। कलेश शाह जी, जो 3-4-5 सितंबर का जो था ना, वो आपके लिए फेवर कर दिया सर, वो वहां पर देयर इज नो एम्पायर, वो चलिए ठीक है, अब तो क्लियर हो गया ना, आपको छूट मिल गई, आपने आपने सिक्सर मार दिया, छक्का मार दिया पहले गेम पे 6,000 करोड़। और भी है डील हो और बीच का रास्ता निकले और समाधान हो, तो सिर्फ इतना ही नहीं है। ये जितने रिट लगे हैं, जितने जो पीआईएल लगे हैं, सब खत्म हो जाएंगे, तो सरकार भी चाह रही है कि सब हटे ये सब, क्योंकि सरकार सहारा काम करने दिया जाए। सुभान जी, 10 दिन के अंदर आप देखेंगे कि डिफिशियंसी 0 हो गए और 5 लाख तक का पेमेंट दिवाली तक शुरू हो जाएगा। डिफिशियंसी को 0 करके 5 लाख तक की पेमेंट शुरू होने जा रही है सर। मैं तो पहले ही कह दिया सर, 5 लाख का अगर भुगतान हो जाता ना पोर्टल के माध्यम से और डिफिशियंसी 0 हो जाता, मैं डिफिशियंसी भी नहीं मांगता, लेकिन 5 लाख का दिए आगे तो इतने टाइम हो जाएंगे, बाकी बड़े निवेशक रह जाएंगे जो बड़े लोग हैं। मैं तो पहले ही कह रहा था आधे से आधे ऊपर तो वही हो रहा है, लेस देन 2 लाख लूट है, अब 5 लाख का कर देंगे तो भाई साहब पक्का पढ़ाई कर रही है और अपना कमेंट करते रहिए, पीछे का रास्ता
पूरे हिंदुस्तान में दिवाली की तोहफा के रूप में सहारा की ओर से 5 लाख रुपए तक का पेमेंट जाने वाला है। सहारा के ऊपर भरोसा करने वाले को बहुत बहुत बधाई। अगर मेरा सहारा में इन्वेस्टमेंट नहीं है और जिनका इन्वेस्टमेंट है, जिन्होंने सहारा का साथ दिया और लास्ट तक लड़े, तो उनको कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा, अच्छा समाधान है। जो लोग बाकी हो गए हैं उनका तो बस कुछ मिलने वाला है नहीं, उनका बस पैसा मिलेगा जो उनके साथ रहे, उनको तो नौकरी वोकरी मिलनी नहीं है। तो जो सर जिसको टर्मिनेट कर दिया जाएगा उनको लेना है, उनको अलग कर देना है, जो बेचारे टर्मिनेट कर दिए। सहारा बंधु, जैसा कि आप लोगों ने रेटिंग इंडिया एंड सहारा वर्कर कन्हई शाह के मध्य जो कन्वर्सेशन हुआ है सहारा भुगतान को लेकर, उसको आप लोगों ने ध्यानपूर्वक समझ लिया होगा। इन्होंने बताया है कि दीपावली पर हम लोगों को काफ़ी बड़ा तोहफा मिलने वाला है। सहारा पोर्टल से पहली बार में जब ट्रायल हुआ तो 10,000 रुपया का भुगतान CRCS पोर्टल के द्वारा निवेशकों को वितरित किया गया, उनके खाते में ट्रांसफ़र किया गया। फिर उसके बाद में भुगतान की प्रक्रिया को बंद कर दिया गया, किसी का भुगतान नहीं हुआ। अभी हाल ही में सितंबर महीने से CRCS पोर्टल के जरिए 10,000 की राशि को बढ़ाकर 50,000 कर दिया गया। उससे निवेशकों को भुगतान की गति में कुछ सहूलियत मिल रही है, लगभग भुगतान सही से होने लगा है। अब इसमें कन्हई शाह जी का कहना है, उन्होंने पहले भी बयान दिया था कि 50,000 तक का भुगतान बहुत ही जल्द पोर्टल से शुरू होने वाला है। फिर उन्होंने कहा है कि अब 5 लाख तक का भुगतान पोर्टल से शुरू होने वाला है। अगर 5 लाख तक का भुगतान पोर्टल से शुरू हो जाता है तो फिर भुगतान किसी का भी इम्पॉसिबल नहीं रह जाएगा। लेकिन हाँ, सबसे मेन प्रॉब्लम ये आती है कि डेफिशिएंसी वाली और रिसबमिशन वाली, भुगतान की प्रक्रिया को इस तरह कर दिया जाए कि जिसका जिसका आवेदन है सभी का भुगतान उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाना चाहिए। इससे गरीब सहारा पीड़ित जमाकर्ता साथी है, उसको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना करना नहीं पड़ेगा और आसानी के साथ में उसको भुगतान मिल जाएगा। क्या ये राय सही है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखिएगा। इसी के जानकारी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, नमस्कार।